हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम कैसे बनाएं। ना दूध की ज़रूरत पड़ेगी, ना मिक्सी चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। केवल 10 रुपये की स्ट्रॉबेरी खरीदेंगे, उसी से अपन ये बनाएंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ली है, और ये जो पीछे वाला डंठल है इसको अपन ऐसे रिमूव कर देंगे। बहुत ही इजी होता है इसे रिमूव करना, और अच्छे से वॉश करके इन्हें छोटी छोटी साइज में अपन कट कर लेंगे। चाहो तो दो भाग भी कट कर सकते हो, लेकिन छोटी साइज में कट करोगे तो उतनी जल्दी ही ये आइसक्रीम सेट हो जाएगी, उतनी जल्दी ही ये बन जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल छोटी छोटी साइज में मैंने कट कर लिया है, और एक कटोरी में ये सारी स्ट्रॉबेरी जो अपन ने कट की है वो इसमें ऐड करेंगे और ऐसे मैश कर लेंगे। बहुत जल्दी मैश हो जाती है, आप मिक्सी में भी फेंट सकते हो और ऐसे भी फेंट सकते हो। गैस ऑन करके एक बर्तन लेंगे और इसमें ये पानी ऐड करेंगे, और जो अपन ने मैश किया है ये देखिए मैंने बिल्कुल मैश कर लिया है स्ट्रॉबेरी को, और वो इसमें ऐड करेंगे। क्यों भी ऐड कर सकते हो, जल्दी से मेल्ट हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगाएगी और ये ऐसे जल्दी से बन जाएगी अपनी आइसक्रीम। मेरी स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी खट्टी भी है, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ शक्कर की। अगर आपकी खट्टी ना हो तो 150 ml पानी में आपको 1.5 चम्मच शक्कर की ऐड करना है, और इसे 7-8 बार उबाल आने देंगे। इसे क्या है, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी और थोड़ी सी ऐसे जैम टाइप की भी कंसिस्टेंसी बन जाएगी इसकी। 6-7 बार उबाल आ चुका है। अब अपन नीचे से गैस बंद करके इसको ठंडा करेंगे, और ये देखिए ये कलर भी छोड़ चुकी है और टेस्टी सी आइसक्रीम भी बन चुकी है। ना दूध की जरूरत पड़ी, ना क्रीम की, ना मिक्सी चलाने की। आइसक्रीम जमाने को हो, आइसक्रीम जमाने का भी ले सकते हो। मैंने ये कॉफ़ी वाला कप लिया है, रिमूव करना भी आसान होता है और आपको पॉपस्टिक वगैरह खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये अपना ठंडा हो चुका है, ये इसमें डालेंगे और एक पॉलीथीन लगाएंगे, ये इसमें ढक्कन का काम करेगी, और चोटी में रबड़ डालते हैं ना वो अपन इसमें ऐसे लगा लेंगे, टाइट करेंगे और ऐसे छेद निकाल लेना है। स्टिक हो आपके पास तो स्टिक ले लीजिएगा, स्टिक ना हो आपके पास तो जो कचौड़ी समोसा खाते हैं ना वो वाली स्टिक ले लीजिएगा, और इसे 2-3 घंटे के लिए अपन फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए 2-3 घंटे हो चुके, अपनी आइसक्रीम सेट हो चुकी है। पॉलीथीन और रबड़ को अपन निकाल देंगे, बहुत ही आसान तरीके से रिमूव हो जाती है, और कितने सुंदर कलर की बनी है, मज़ा आ जाएगा आपको। ना दूध की ज़रूरत पड़ी, ना और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, और परफेक्ट तरीके से अपनी आइसक्रीम सेट हुई है। रिमूव करना भी ये देखिए कितना आसान है, इसे बच्चों को बड़ों को सभी को ये बहुत पसंद आएगी। कितना सुंदर इसका कलर है, जितना सुंदर इसका कलर है ना उससे 100 गुना टेस्टी है ये आइसक्रीम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।